ब्रेक के बाद स्वागत है। संजय बहुत ही नर्म दिल इंसान रहे, ऊपर वाला भी संजू पर मेहरबान हुआ और आखिरकार संजू को जेल से बेल मिली। बस फिर क्या था, मुश्किल सफ़र को एक बार फिर आसान कर दिया खुद संजू बाबा ने। और इस बार मुन्ना भाई बनकर सिखाई गांधीगिरी और कांचा चीना बनकर चले अग्निपथ पर। सिंदूरलाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, धुंधिलाल विराजे सितोरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय भी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य कुमारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। ऊपर वाला संजू पर एक बार फिर मेहरबान हुआ। टाडा कानून के तहत संजू को राहत मिल चुकी थी। 1999 में ही कोर्ट ने संजू को देश से बाहर जाकर शूटिंग करने की मंजूरी भी दे दी। उन्नीस सौ निन्यानवे सही मायनों में संजय का कमबैक ईयर बना। दाग हसीना मान जाएगी और वास्तव फिल्म ने संजय को फिर से सक्सेस के उसी मकाम के करीब ला दिया। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या कुछ भी नहीं। जब संजू ने इतने प्यार से आई लव यू कहा तो फिल्म की हीरोइन ही क्या, फैंस ने भी संजू को लव रिटर्न कर दिया। संजय की सक्सेस का काफिला एक बार फिर नई कहानी लिखने को तैयार था। वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी संजय को मिला। खुशी के मारे संजू के तो सुर ही फूट पड़े थे और खूबसूरत फिल्म में संजू ने उर्मिला के लिए गाया भी। हे शिवानी तू लगती है नानी, तू आइटम पुरानी। हे हे शिवानी, हे शिवानी, बोरिंग है तेरी जवानी, बताना दीवानी थोबड़े पे पारा क्यों बजे है वो। हे शिवानी तू फ्लॉप है कहानी खड़ू खानदानी। संजय दत्त ने आज बॉलीवुड में जो अपनी जगह बनाई है वो जगह बना पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। एक लड़ाकू की तरह वो हर परेशानी का डटकर सामना करते जाते रहे। 50 के पार का होने के बाद भी संजय दत्त का जादू अभी खत्म नहीं हुआ है। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक चला संजू बाबा का जलवा। फिल्में फिल्में और फिल्में, फिल्मों से संजय दत्त ने अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। 50 की उम्र पार करने के बाद भी संजय बॉलीवुड में लगातार उसी जोश से काम करते रहे जैसा संजू पहले किया करते थे। बर्थडे पापा, चल सी ऑन संडे, ओके या बाय। संजय ने वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए बेस्ट कॉमेडियन का अवार्ड अपने नाम किया। लेकिन लेकिन क्या पैसे लेता है फिर टाइम पे नहीं देता यार। ये तो इतनी जोर से छलांग मार के बम फूटने से पहले है ना तू पानी में पहुंचे। साजन, खलनायक, मिशन कश्मीर, कांटे, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग एक्टर के लिए तो संजय को कई बार नॉमिनेशन मिला। उसको बोलने का हो गई मामू मामू
मामू सुबह हो गई मामू मामू अरे मामू ये सफारी सूट क्या है एडमिशन के लिए किसको मिलने का उधर केजुअली में जाके फॉर्म भरने का पेशेंट कौन है कोई नहीं तो फिर एडमिट किसको करने का है भाई को क्या हुआ उसको कुछ नहीं हुआ तो फिर एडमिट क्यों करने का डॉक्टर बनने का किसको अरे भाई को रे ये अपुन की बात कर संजय किसी भी रोल को छोटा नहीं समझते और यही वजह है कि आज भी बॉलीवुड में वो टिके हुए हैं और लगातार हिट फिल्में दिए जा रहे हैं बहुत इंतजार कराया प्रभु आंखें तरस गई थी छोटे पर्दे पर भी संजय ने हाथ आजमाया और ना सिर्फ बिग बॉस के फिफ्थ एडिशन को सक्सेसफुली होस्ट किया बल्कि इस साल जनवरी में राज कुंद्रा के साथ मिलकर सुपर फाइट भी लॉन्च की राजनीति में भी दत्त का दमखम दिखा साल 2009 में समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनावों में भी हिस्सा लिया वह पार्टी के सदस्य भी बने बाद में संजय दत्त ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया फिलहाल संजय ने राजनीति से दूरी बनाई हुई है संजय दत्त भुखमरी और कुपोषण के खिलाफ इंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के गुडविल ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। संजय समाज सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं अग्निपथ ऑल दी बेस्ट लव जिंदा रावण समेत 150 फिल्मों में संजू बाबा काम कर चुके हैं अब मैं लिखूंगा गीता का 19वां अध्याय नमो न माया न ममता का बंधन बस आना दिया संजय की सफल फिल्मों का कारवां बदस्तूर जारी है एक बार फिर संजय को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई इस बधाई के साथ साथ एक खास बात और वो ये कि बिजॉय नॉम्बियार की फिल्म में संजय विलन का रोल कर रहे हैं और इस नेगेटिव रोल के लिए संजय को 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे राहुल यदुवंशी एंटरटेनमेंट डेस्क समाचार प्लस तुम क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे रह जाएगा सिर्फ एक इंसान सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान कांचा सिनेमा लाइव में फिलहाल इतना ही कल फिर हाजिर होंगे इसी वक्त टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिल्मिंग एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा एक परफेक्ट स्टूडेंट बना मैंने डिग्री हासिल की आई स्टडीड एट क्वांटम क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा जोड़ी सही होनी चाहिए जैसे सचिन और उनका बल्ला जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी आइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप ल्यूमिनस जिस पे देश करे भरोसा इंडियाज लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी विद 25,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम 26 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 16 कंट्रीज 25 इंटरनेशनल टाई-अप्स Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India.
सपा से निकाले जाने के बाद भड़के शाहिद सिद्दीकी, मुलायम सिंह पर लगाया परिवारवाद का आरोप। जंतर मंतर पर शुरू हुआ नाजारे का अनशन, अनशन से पहले अन्ना ने लगाए सरकार पर कई आरोप। यूपी में स्कूलों का हाल बेहाल, सीतापुर में गिरी स्कूल की छत, खुली शिक्षा विभाग की पोल। बहराइच में बांध बनाने में सामने आया करोड़ों का घोटाला, लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। बागपत के बाद अब शामली में खाप पंचायत ने जारी किया फरमान, लड़कियों के जींस टॉप पहनने पर लगाई पाबंदी। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद शाहिद सिद्दीकी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। शाहिद सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को खूब खरी खोटी सुनाई। सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने एक पत्रकार के तौर पर ईमानदारी से मोदी का इंटरव्यू लिया था। मैं ईमानदार पत्रकार हूं, ईमानदारी से सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब लेता हूं, और अगर ये बात समाजवादी पार्टी को बुरी लगी है, एक तो मुझसे कहते, मेरे पास कोई शो कॉज भेजते, मुझसे सवाल करते, तो ऐसा लगता है कि जैसे दिल में चोर होता है, समाजवादी पार्टी के दिल में चोर है, क्योंकि इन्होंने पहले हाथ मिलाया था कल्याण सिंह के साथ जिसने बाबरी मस्जिद शहीद की। ये एक ओम प्रकाश निडर है जो जिसने लिखी कविता के हिंदुस्तान में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, उसके साथ इन्होंने जो है हाथ मिलाया, उसे पार्टी में ले रखा है। तो ऐसे ऐसे लोगों को ही पार्टी में रखते हैं। साक्षी महाराज जिसने बाबरी मस्जिद खड़े होकर तुड़वाई, ईंटें उसके ले गया, टॉयलेट अपने टॉयलेट में लगाई, उस साक्षी महाराज को इन्होंने राज्यसभा में भेजा। तो ये इस तरह की बातें करके हीरो बनने की कोशिश और मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश कि हम बड़े हमदर्द हैं आपके, ये अब चलने वाली नहीं है, और मुसलमान भी इन इन हथकंडों को पूरी तरह से समझता है। उधर शाहिद सिद्दीकी ने सपा पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। आदमी का पूरा कैरेक्टर देखा जाता है, तो पूरा कैरेक्टर हम देखते हैं मुलायम सिंह जी का, तो वो उम्दा कैरेक्टर है, लेकिन उनके साथ जो लोग लगे हैं वो सिर्फ परिवारवाद में लगे हैं, वो सिर्फ सत्ता के लोभी हैं, और वो नहीं चाहते कि पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा आदमी हो जो सोच समझ रखता हो, जो कोई बात कर सकता हो, जो सवाल उठा सकता हो, पार्टी की गलतियों को बता सकता। तो शाहिद सिद्दीकी ने खरी खरी सुनाई है समाजवादी पार्टी को, कहा है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ही समाजवादी पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की राजनीति करती है। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी की तरफ, जिस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक, पत्रकारिता से छूट गई पार्टी, आपसे जानना चाहेंगे जिस नाटकीय अंदाज में शाहिद सिद्दीकी को बाहर निकाला गया और अब वो कह रहे हैं कि परिवार वाद की राजनीति करती है समाजवादी पार्टी, एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगा है। देखिए गायत्री, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर दोनों पक्षों को बहुत, अगर हम लोग ध्यान से सुने तो दोनों पक्ष डिप्लोमेटिक जवाबदेही कर उतर आए हैं। अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करिए तो जब शाहिद सिद्दीकी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया था तो उस दिन बाकायदा घोषणा की गई थी, मंच पर शामिल किया गया था, उसमें समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव वो मौजूद थे, अखिलेश यादव मौजूद थे, आजम खान मौजूद थे, अनुराधा चौधरी जो की राष्ट्रीय लोकदल से नाराज होकर समाजवादी पार्टी में आई थी, उन्हीं उसी दिन ठीक उसी जगह उसी मंच पर शाहिद सिद्दीकी को भी समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया था। कल समाजवादी पार्टी की जो रामगोपाल यादव
नेताओं हैं वो कहते हैं कि ये कभी पार्टी में ही नहीं रहे, इनका समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये टेलीविजन पर जाते हैं और अपनी अलग से बयानबाजी करते हैं, तो वो उनकी निजी राय मानी जाए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी शाहिद सिद्दीकी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो कट्टर हिंदुत्ववादी का हिंदुत्व का चेहरा है नरेंद्र मोदी, उनके इंटरव्यू को इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार माना जा रहा है, जैसा कि कल उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश